कृषि मंत्रालय रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले संस्कृति मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रश्न लिए जाते हैं। बुधवार को परमाणु ऊर्जा प्रधानमंत्री कार्यालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विदेश मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मानव संसाधन विकास मंत्रालय विधि और न्याय मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अंतरिक्ष मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन के प्रश्न लिए जाते हैं। गुरुवार को नागर विमानन कॉरपोरेट कार्य पेयजल और स्वच्छता पृथ्वी विज्ञान सूचना प्रसारण मंत्रालय अल्पसंख्यक मामले विद्युत मंत्रालय भारी उद्योग और लोक उद्यम रेल मंत्रालय ग्रामीण विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जल संसाधन मंत्रालय के प्रश्न लिए जाते हैं। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय खान मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पंचायती राज नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्रालय जनजातीय कार्य और महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रश्न लिए जाते हैं। आमतौर पर शनिवार को लोकसभा की बैठक नहीं होती है, इसलिए इस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। प्रश्नकाल का संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सांसदों का संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के हरेक पहलू पर सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान सरकार को कसौटी पर रखा जाता है। प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार राष्ट्र की नब्ज को तुरंत पहचानने की कोशिश करती है और उसके अनुसार अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव करती है, क्योंकि सरकार संसद के प्रति जवाब